आप आस्तिक हो या नास्तिक, यह मनोवैज्ञानिक वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। जब संकट की घड़ी आन पड़ती है तब भगवान याद आते हैं। जब मन खुद को असहाय महसूस करता है तब भगवान के सहारे की आस लगाए बैठता है। जब सामने घनघोर अंधेरे में कोई रास्ता दिखता नहीं है तब भगवान से ही आशा के किरण की उम्मीद हम लगाए बैठते हैं, सही है ना? आप भी ऐसे संकट की घड़ी में, ऐसे चल रहे महामारी की आपदा में भगवान को याद करते होंगे। जो लोग भगवान पर विश्वास ही नहीं रखते वह भी जब परिस्थिति हमारे बस के बाहर हो जाती है तब उनका भी आखिरी रास्ता भगवान की तरफ ही मुड़ता है। क्या भगवान, धार्मिकता ऐसे परिस्थिति में हमारी मदद करते हैं? मनोविज्ञान क्या कहता है, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। मैं डॉक्टर पर्वतराज, साइकैट्रिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड काउंसलर, मनोचिकित्सक, पिछले 14-15 साल से इस क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। दोस्तों, भगवान है कि नहीं पता नहीं, परंतु विज्ञान भगवान को मानता नहीं है, ये आपको भी पता है। परंतु पिछले 3 दशकों का मनोवैज्ञानिक रिसर्च यह कहता है कि भगवान के ऊपर की श्रद्धा, धार्मिकता हमारे मन की वेदना, पीड़ा और मन की विपत्ति, संकट, डिस्ट्रेस से सामना करने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। श्रद्धा हमें ऐसे आपदा विपदा की घड़ी में सांत्वना, कंफर्ट देती है। यानी विज्ञान भगवान को तो मानता नहीं है, परंतु धार्मिकता, भगवान के प्रति श्रद्धा, इनका मानवीय मानसिकता के ऊपर प्रभाव को, असर को जरूर मानता है। आपने भी ऐसे लोग कुछ देखे होंगे जो पहले धार्मिक नहीं थे, वे ऐसे आपदा की घड़ी में अचानक धार्मिक बन गए। जो पहले से ही भगवान को मानते थे उनकी धार्मिकता इस आपदा में और बढ़ गई। परंतु आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे, कैसे, ऐसी आपदा की घड़ी में कभी कभी कुछ लोगों को भगवान के प्रति उनका विश्वास कम होने लगता है, टूटने लगता है, भगवान के ऊपर गुस्सा भी उन्हें आने लगता है। क्या आपने देखे हैं ऐसे लोग? इस बारे में मनोवैज्ञानिक डॉक्टर केनेट बर्गामेंट कहते हैं कि संकट की घड़ी में श्रद्धा का, धार्मिकता का सकारात्मक असर भी हो सकता है या फिर नकारात्मक असर भी हो सकता है। ओके, आइए देखते हैं कि हमारी श्रद्धा का, धार्मिकता का पॉजिटिव सकारात्मक असर कैसे होता है, क्या होता है। पहला सकारात्मक असर, हमारी श्रद्धा, धार्मिकता संकट की घड़ी में हमारा आशापूर्ण नजरिया बनाए रखती है। कितना भी कुछ कठिन समय आए, श्रद्धा के, धार्मिकता के वजह से हमारी आशा टूटती नहीं है, हम कभी निराश महसूस नहीं करते हैं। ऐसी विपदा की घड़ी उल्टा भगवान के प्रति ज़्यादा श्रद्धा और ज़्यादा समर्पण का तथा अपने जीवन को और ज़्यादा उन्नत बनाने का हम मौका समझते हैं, अवसर समझते हैं। दूसरी सकारात्मक बात, हमारी श्रद्धा, धार्मिकता ऐसे संकट की घड़ी में हमें अकेला महसूस नहीं होने देती, हमारे भगवान से, धर्म से जुड़े होने की भावना सुरक्षितता महसूस करवाती है। जब कोई व्यक्ति धार्मिक होता है तो वह खुद को अपने से उस बड़े धर्म का, उससे जुड़े हुए अन्य कई बड़े बड़े नामी धार्मिक लोगों का, अपने गुरु का एक हिस्सा मानने लगता है। इस वजह से जब वह कठिनाइयों का सामना करता है तो वह खुद को अकेला, असहाय, कमज़ोर महसूस ना कर धार्मिकता की पनाह में खुद को सुरक्षित महसूस करता है। तीसरी सकारात्मक बात, धार्मिक संस्कार, अनुष्ठान, रिचुअल्स, इसके माध्यम से जीवन में जुड़े रहने की भावनाएं बनी हुई रहती हैं। धार्मिकता में जीवन के अलग अलग अवसर पर कई प्रकार की प्रार्थनाएं, रीति रिवाज, अनुष्ठान रहते हैं, लोग करते हैं। यह रीति रिवाज हमें जीवन में अच्छे या बुरे दिन आए फिर भी हमें जीवन से जुड़े हुए रखते हैं, जीवन के बड़े बदलाव का, उतार चढ़ाव का स्वीकार करवाते हैं। उदाहरण, कुछ नई शुरुआत करनी है तो घर में पूजा की जाती है, तो किसी के अंत समय में उसका अंत्य विधि संस्कार किया जाता है। लेकिन 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 अभी हम देखते हैं कि हमारी श्रद्धा, धार्मिकता का नकारात्मक असर भी कैसे हो सकता है। पहली बात, संकट की घड़ी यानी भगवान हमें दंड दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों को लग सकता है। भगवान के ऊपर उन्हें गुस्सा भी आने लगता है। दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएँ, मानसिक पीड़ा हमारे भगवान के प्रति, जिसे वे सब कुछ करता रहता है, संरक्षक, तारणहार समझते हैं, ऐसे उनके श्रद्धा के ऊपर उनका एक मन वार करने लगता है। मैंने भगवान का इतना कर लिया फिर भी भगवान ने मुझे यह सिला दिया,
ऐसे व्यावहारिकता से भगवान के प्रति अपने संबंधों में खटास आने लगती है और फिर भगवान के प्रति गुस्सा, नफरत या फिर मैं गुनहगार हूँ इसलिए मुझे भगवान यह दंड दे रहे हैं, भगवान ने मुझे उसकी दया से, उसकी पनाह से निष्कासित किया है, यह भावनाएं आने लगती है नकारात्मक, जो पहले ही बिगड़े हुई आपदा के परिस्थिति में हमारे मन के लिए आग में तेल डालने जैसा हो जाता है। धार्मिकता से दूसरी नकारात्मक बात, कुछ लोग खुद कोई जवाबदारी ना लेकर सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़, कुछ लोगों की श्रद्धा इतनी अंधश्रद्धा बन जाती है कि उनका मानना होता है कि भगवान ही सब कुछ करेगा, चमत्कार से भगवान ही हमें बचाएगा, और इसी भ्रम की वजह से वह अपनी सुरक्षा की जवाबदारी, परिस्थिति से लड़ने की जवाबदारी बिल्कुल नहीं लेते हैं। इस धार्मिकता में कुछ लोगों की तो विवेक बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो जाती है कि कोरोना जैसी आपदा विपदा लाकर भगवान प्रलय ला रहे हैं और इसमें सिर्फ धार्मिक लोगों को ही स्वर्ग मिलेगा और यह जीवन से वो जीवन स्वर्ग वाला वो बेहतर है। इस अंधविश्वास से कुछ लोग अपनी सुरक्षा को दरकिनार करके धार्मिकता में जुटते रहे और कोरोना फैलता गया, मौतें हुई। यह एक धार्मिकता के नकारात्मकता का नकारात्मक रूप में साइड इफेक्ट ही है। तीसरी नकारात्मक बात, कुछ धार्मिक लोग पाप पुण्य नैतिक द्वंद्व में, मोरल कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाते हैं। आपको समझने के लिए इस कोरोना काल का ही मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बहुत बार डॉक्टर्स नर्सेस को ऐसे महामारी के समय कड़े निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे कि कोई मर रहा है और उसका वेंटिलेटर हटा दो जो दूसरे की जान बचाने के लिए काम में आएगा। जब वह उसका वेंटिलेटर हटाते होते हैं तो उनकी धार्मिकता, उनकी नैतिकता उनके मन को पोसते रहती है, खाते रहती है। ऐसे समय में वह अपने इस एक्ट को नैतिकता के विरोध में पाप की दृष्टि से देखते हैं। दूसरा उदाहरण, कोरोना काल में नियमों की वजह से कुछ लोग मंदिर मस्जिद नहीं जा पा रहे हैं, इससे भी वे एक पाप की दृष्टि से देखते हैं। तो हमने देखा कि सकारात्मक असर भी है और नकारात्मक असर भी है। तो अपनी धार्मिकता श्रद्धा आपके जीवन पर सकारात्मक असर डाले इसलिए आपने क्या करना चाहिए, चलो देखते हैं। एक, आप अपने भगवान, धार्मिकता, श्रद्धा इनकी परिभाषा को सही करें। अपने भगवान से क्या अपेक्षा आप रखते हैं? आपकी धार्मिकता आपको इस जन्म में या फिर जन्नत में भौतिक सुख सुविधा देगी मुझे पता नहीं, परंतु इसी जन्म में आपकी श्रद्धा, आपकी धार्मिकता अगर आपको विवेक बुद्धि, शांति, समाधान और हर हालत में मानसिक स्थैर्य, मानसिक शक्ति अगर नहीं दे रही है तो आपकी श्रद्धा और आपकी धार्मिकता पर प्रश्न चिन्ह है, समझ लीजिए। दूसरी बात, विपदा की घड़ी में अपनी श्रद्धा और धार्मिकता को सही दिशा में बनाए रखें। कहीं आप भगवान के साथ कोई बिजनेस डील तो नहीं कर रहे हैं कि आप उनके गुणगान गा रहे हैं तो उसके बदले में वे चमत्कार करेंगे और आपको बचाएंगे? भगवान आपकी श्रद्धा और धार्मिकता देखकर कोई चमत्कार करने, आपको बचाने के लिए आएंगे ये पता नहीं, परंतु आपकी सही दिशा में श्रद्धा और धार्मिकता आपको खुद जिम्मेवारी लेकर आपदा से लड़ने की मानसिक शक्ति, ताकत, प्रेरणा जरूर देगी। सेंट क्लारा यूनिवर्सिटी के डॉक्टर थॉमस प्लांट ये कहते हैं कि इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट पीपल यूज देयर बिलीव इन अ वे दैट मेक देम फील एम्पावर्ड एंड होपफुल। तीसरी बात, मन की शक्ति बढ़ाने वाले धार्मिक क्रियाओं का अभ्यास करें। धार्मिकता यानी सिर्फ भगवान के गुणगान ही नहीं है बल्कि अपने आप को भी उन्नत बनाने का माध्यम है। जैसे कि हिंदू धर्म में योगाभ्यास, प्राणायाम से अपने मन को स्थिर, स्थित प्रज्ञ बनाना इस बारे में बताया गया है। बौद्ध धर्म में भी विपश्यना, माइंडफुलनेस से अपने मन को दुख, दर्द, नकारात्मकता से अलग करने की विधि भी बताई गई है। इनका पालन करें, इनकी प्रैक्टिस करें। दोस्तों, एक पते की बात बताओ, इस कोरोना की घड़ी में श्री कृष्ण अवतार लेकर अपने चमत्कारों से हमें कोरोना से मुक्त करेंगे कि नहीं पता नहीं, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के बहाने से जो भगवद गीता में बताया है वो आपके लिए और मेरे लिए अभी इस संकट की घड़ी का सामना करने के लिए ही बताया है, क्योंकि भगवान को पता है कि हम इंसानों में ही अपने मन की ताकत से, अपने अथक प्रयासों से चमत्कार करने की शक्ति है।